फिर से दोस्तों एक बार लग चुका है मेला हरिद्वार के ऋषिकुल में, और इसी तरह से आपको यहाँ तरह तरह की जो है मछलियों के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत नज़ारे मेले में ऊँट की सवारी भी आपको यहाँ मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऋषिकुल हरिद्वार में इस टाइम लग चुका है मेला, जो कि हर साल इसी तरह से हमारे गणेश जी के महोत्सव पर लगता है। और इसी तरह पार्किंग में आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ यहाँ पे पार्किंग में, तो पार्किंग में फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। चारों तरफ जो है पार्किंग फ्री रहती है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और सबसे खास जो यहाँ पे इस टाइम देखने के लिए है तो वो है आपका एक्वेरियम, यानी कि इस बार जो है काफ़ी भीड़ जो है देखने के लिए आप लोगों को मेले में मिलेगी, और काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सामने हम लोग अब निकलते हैं सीधा एक्वेरियम की तरफ क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ और फेमस जो है इस बार यहाँ पे यही चीज़। और हमारे साथ साथ आप लोग देख सकते हैं आप आगे जो है काफ़ी लोग यहाँ पे जो है मछलियों को यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम अंदर पहुँचते हैं तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे टिकट काउंटर के साथ साथ लाइन में लोग लगे हुए थे। और फाइनली जो है अब हम पहुँचते हैं अंदर, तो अंदर जो है कुछ इस तरह से काफ़ी प्यारी प्यारी मछलियों के ये नज़ारे आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत जो मछलियों में से एक जो हमारी ब्लैक घोस्ट करके यहाँ पे मछली थी, तो ये बिल्कुल एकदम जैसे पत्ता हमारा पानी में रहता है, तो इसी तरह से काफ़ी प्यारी ये मछली यहाँ पे देखने में लग रही थी। तो इसी तरह से आप लोग जब आओगे मेले में तो आप लोगों को रंग बिरंगी एक से एक प्रकार के आप लोगों को यहाँ पर मछलियाँ जो है देखने के लिए मिलेगी। तो पूरा जो है वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ रंग बिरंगी मछली। जब आप लोग खुद यहाँ पहुँचोगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो टिकट है अभी यहाँ पे 80 रुपये यानी कि 80 रुपये है यहाँ पे टिकट। बाकी आप लोग आगे खुद यहाँ विजिट करके यहाँ पे इसी तरह से मछलियों को यहाँ पे देख सकते हैं। और एक्वेरियम के अंदर कुछ इस तरह से नज़ारा आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पे लोगों की थी मछलियों को देखने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा यहाँ पे इस टाइम जो है देखने के लिए लग रहा था। चारों तरफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल आपके दोनों तरफ साइड में मछलियाँ ही मछलियाँ जो है नज़र आएगी। बाकी मेले में आगे किस तरह से झूले हैं, आपको खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे है, तो पूरी वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे थे तो हम पहुँचे थे मेन एक्वेरियम में। वहाँ दिखेगी आप लोगों को इतनी प्यारी ये मछली, सिर्फ काफ़ी खूबसूरत देखने में, जो प्लेटिनम करके नाम है इस मछली का देख सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे देखने में लग रही थी। बाकी आगे की तरफ जैसे हम लोग बढ़े तो कुछ इस तरह से जो है एक्वेरियम में ऊपर बिल्कुल दोनों साइड आप लोगों को इसी तरह से चारों तरफ ये मछलियाँ ही मछलियाँ यहाँ पर नज़र आएगी। बाकी इसी के साथ साथ आप लोगों की यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग आए हो यहाँ विजिट करके तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को कैसे लगा यहाँ पे आके। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो एक्वेरियम को यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर आ रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ है काफ़ी खूबसूरत ये मछलियों के बीच का ये नज़ारा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा फील होगा यहाँ पे। और इसी के साथ काफ़ी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी मछलियां जो हैं एक्वेरियम में आप लोगों को यहां पे देखने के लिए मिलेगी। और इसी के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम निकलेंगे अभी इसके बाद मेले की तरफ, जो कि हर साल लगता है। बाकी इस बार जो है स्पेशल यहां पे इसी तरह से ये एक्वेरियम था हमारा देखने के लिए। इसी के साथ लोगों की भीड़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो यहाँ पर फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ आप लोगों को इसी तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो पूरा एक्वेरियम घूमने के बाद हम फाइनली जो है एंड पॉइंट पा चुके थे, और इसके बाद हम निकलेंगे मेले की तरफ जो कि बगल में ही है आपके। और जैसे हम पहुंचे मेले में तो इतना काफ़ी खूबसूरत ये रात का यहाँ पे लाइटिंग के साथ साथ काफ़ी चहल पहल इसी तरह से मेले में यहाँ थी।
और इसी के साथ आप लोग यहाँ पे ऊँट की भी सवारी आप लोग करने का यहाँ पे मौका मिलेगा आप लोगों को। बाकी आप लोग खुद जब मेले में आएंगे तो इसी तरह से काफ़ी चीज़ें आप लोग यहाँ खरीद सकते हैं, खुद आके यहाँ पे विजिट करके। काफ़ी खूबसूरत जो है ये मेला यहाँ पे ऋषिकुल हरिद्वार में लगा हुआ है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जहाँ जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर आपको मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए यहाँ पे रहती है। जो मर्जी आप लोग यहाँ पे पेड करके पेमेंट करके खा सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे इस टाइम जो है ऋषिकुल का ये मेला भी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, फास्ट फूड वगैरह सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल। चारों तरफ आप लोगों को इसी तरह से चहल पहल देखने को मिलेगी मेले में। और अब फाइनली हम पहुंच चुके थे गणपति बाबा के दरबार में, जहां आपको पंडाल जो है कुछ इस तरह से जो है सजाया हुआ है मेले में। और सामने ही आप लोग देख सकते हैं हमारे गणेश जी की प्यारी सी मूर्ति के साथ यहां पे चल रहे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी कि जितने भी स्कूल के छात्र हमारे, तो उनके बीच आपस में यहाँ पे कंपटीशन की तरह यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और पंडाल में आप लोग चारों तरफ भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे बच्चों के कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब भी आप लोग अगर यहाँ आके विजिट करते हैं तो आप लोग यहाँ पे आके थोड़ा बच्चों का उत्साह भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बच्चों के द्वारा जो है कलाकृतियाँ डांस यहाँ पे किए जाते हैं और बाद में उन्हें प्रोत्साहन के लिए मेडल भी दिए जाते हैं। और इसी तरह से पंडाल में आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है लोगों की यहाँ पे इस टाइम है कार्यक्रम के लिए। और उसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पे हॉन्टेड हाउस में। अगर आप लोगों को शौक है हॉन्टेड हाउस में यहाँ पे आप लोग आके विजिट कर सकते हैं, तो काफ़ी जो है नए नए प्रकार की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए इसी तरह से मिलेगी। और इसी के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए हर प्रकार के झूले जो हैं आप लोगों को यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ जैसे आप लोग मेले में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ के घूमेंगे तो आप लोगों को इसी प्रकार से अलग अलग गेम्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इन्हें भी जो है यहाँ पे खेल सकते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी गेम जो है इसी तरह से मेलों में देखने के लिए हमें मिलते हैं। और इसी तरह से गेम, शायद ये गेम तो शायद कोई बिना खेले घर आता हो। और इसी तरह से झूले भी आप लोगों को यहाँ पे तरह तरह के जो हर प्रकार के यहाँ पे झूले भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो सामने आप लोग ये झूला भी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे झूल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप लोग रील बनाने के शौकीन भी हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन पे खुद ही जो है रील बनाने का भी ये मौका आप लोगों को यहीं जो है ऋषिकुल के इसी प्रकार मेले में यहाँ पे मिलेगा। और इसी तरह से जो है मेले में चारों तरफ आप लोगों को चहल पहल लोगों के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत ये मेले का नज़ारे देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। और हर प्रकार की चीज़ आप लोग यहाँ पे आके खुद यहाँ पे खरीद सकते हैं। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो जो है आप लोगों को आगे मैं दिखाता रहूँगा हरिद्वार से।